ब्रेक तो बाद एक बार मुड़ तो थोड़ा स्वागत है ते हुन गल कर दिया फरीदकोट विच हर साल बाबा फरीद जी दे आगमन पुरब दे संबंध विच करवाए जांदे समागमां दी ते पेश है इना समागमां ते साडी खास पेशकश बाबा शेख फरीद दी रंग विच रंगिया फरीदकोट। रौनकां भारत दे वक्खो वक्खरे सभ्याचार दी झलक रंग बिरंगियां पोशाकां विच स्कूली बच्चे अते इस सब दे विचाले भारत दी अनेकता नूं दर्शांदा एक काफला निकल रिहा है बाबा फरीद दी नगरी फरीदकोट दे विच जिथे 12वीं सदी दे महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी दे आगमन पूर्व बड़ी ही श्रद्धा भावना ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हर साल वांग इस साल भी बाबा फरीद विरासती मेले की शुरुआत हो चुकी है ते पूरा फरीदकोट शहर बाबा फरीद दे रंग विच रंगिया हुए नजर आ रहा है। पुराने समय दे विच जिस तरीके जिहड़े महंत हुंदे सीगे किस तरीके ओह नचदे सी की करदे सीगे इह बच्चे ने पंजाबी सभ्याचार ड्रैस दे विच जिहड़े इह बच्चे ने पंजाबी सभ्याचार दीआं वणगियां पेश कर रहे ने और विरासत काफला दा अंग बने हुए ने और इह काफला किला मुबारक फरीदकोट तों शुरू हो के दरबारगंज रेस्ट हाउस तक इह काफला जिहड़ा हैगा कढ़िया जा रिहा हैगा। तो इह जिहड़े तुसीं कलाकार देख रहे होगे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर दे जिहड़े सहयोग नाल जिहड़े इह प्रसिद्ध लोक नाच अते पहरावे दीयां झलकियां दिखाउंदे स्कूली अते कॉलेजां दे विद्यार्थी पूरे शहर विच चलंगे। किला मुबारक तो दरबार गंज तक कड़े गए इस काफले नू फरीदकोट दी डिप्टी कमिश्नर रूही दुग वलों हरी चंडी दिखा के रवाना कीता गया। इस विच स्कूलां दे विद्यार्थियों वलों अपने सभ्याचार नू पेश कीता गया। गतके दे जोहर तो लैके गिद्दा पौंदियां मुटियारां ते होर सूबियां दे वी रवायती पहरावे इस काफले विच वेखण नू मिले। तो शुरू करते हुए दरबारगंज तक ये काफला कढ़िया है। ये साड़ी कोशिश यह रही है कि असी हर एक स्टेट नू हर एक कल्चर नू रैप्रजेंट करिए ते उदे विच बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन लोकां दी पार्टिसिपेंट्स दी सानू वक्-वक् स्टेट्स तो देखण नू मिली। इस मौके पहुंचे नौजवानों ने दस्या कि उन्हां नू इस काफले विच शामिल होके काफी चंगा महसूस हो रहा है। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੇ ਜਾਣ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया। हरियाणा हाँ जी पहली बार बहुत मजा आ रहा है फुल मस्ती कर रहे हैं। विरासती काफला हर एक देखने वाले लिए काफी खिच का केंद्र बन रहा है। फरीदकोट विखे 8 दिन तक चलन वाले इस मेले च देश दे वक्-वक् सूबियां तो दस्तकारी नाल संबंधित कलाकार अते कारीगर अपनियां नुमाइशियां दी पेशकारी कर रहे ने जो सरब सांझीवालता प्यार आपस मिलजुल के रहन दा सुनेहा दे रहे ने। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੇ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚੌਂਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ
जिस की शुरुआत हुई सी और वख-वख स्टेट्स तो वध तो वध जिहड़े कलाकार हैगे उन्होंने हिस्सा लिया हैगा और असीं भी अपने दर्शकों को अपील करते हैं कि आउंदे दिनों दे विच इह मेला होर भखण वाला हैगा। असीं लोगों को अपील करते हैं कि इस मेले दे विच शिरकत करके अपना जीवन सफल बनाओ और पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदियां जिहड़ियां झाकियां हैगियां वो अपने बच्चों जरूर दिखाओ तां जो अपने सभ्याचार दे नाल नौजवान पीढ़ी खास करके जुड़ी रहे। कैमरामैन धनंजय दे नाल अमनदीप लक्की, PTC न्यूज़, फरीदकोट।